कोरोना वायरस का पतली पिन का चार्जर छूट जाने से वो दोबारा उसने दस्तक दे दी है, और इसी के चलते ये जो कोरोना वायरस है इस साल का वो पिछले साल से काफ़ी भयंकर बताया जा रहा है। इसी के चलते काफ़ी सारे राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति भी बनी हुई है, जैसे कि दिल्ली में हो चुका है, यूपी में लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में और काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने लॉकडाउन अपने राज्यों में लगाया हुआ है कोरोना वायरस को इसका संक्रमण से बचने के लिए। तो अगर मैं बात करूं, आप लॉकडाउन है, छुट्टियां पड़ गई हैं स्कूलों की वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे ऑफिस भी बंद हो गए हैं, तो काफ़ी सारे लोग अपने गांव जाने की तैयारी में हैं। अगर आप भी इधर उधर से कहीं से भी अगर उत्तराखंड जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके मन में भी कुछ सवाल आ रहे होंगे कि जाना है लेकिन कौन सी व्यवस्था है, सरकार की क्या गाइडलाइन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फिलहाल यहाँ पर अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट में जो बसेस है वो बहुत कम चल रही है। क्या लोकल जो बसें हैं उनमें, क्योंकि दो सीटों में एक ही सवारी बिठाने का यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, तो जो बसेज हैं वो उनका कहना है कि हमारी जो कमाई नहीं हो रही है तो बसें भी काफ़ी कम चल रही है। आपने अपनी व्यवस्था इस तरह से देखनी है कि आप घर तक पहुँच जाए। दूसरी बात, अगर आप अपनी गाड़ी बुक करके जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, लेकिन यहाँ पर आपको अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करा कर ज़रूर जाना है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो है वो बॉर्डर पर चेक कर की जा रही है, आपसे मांगा जा रहा है। और हाँ, कोरोना वायरस भी जो टेस्ट है वो दो तरीके से होता है, एक नाक से और दूसरा गले से। तो नाक वाला टेस्ट यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहा, काफ़ी सारे लोगों को नाक के जो टेस्टिंग है नोज वाला उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आपने RT-PCR टेस्ट करा कर ही गाँव जाना है, और फिलहाल यहाँ पर जो लोग क्वारंटाइन है वो नहीं है। क्वारंटाइन इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप टेस्टिंग करके जाते हैं तो अपने आप में आप एक तरह से नेगेटिव हैं तो आप जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी जो क्वारंटाइन की स्थिति है 14-28 दिन की, वो नहीं होना है, बस आपको अपना टेस्ट करके जाना है तो आप आराम से जा सकते हैं। और हाँ, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, जो रोडवेज वगैरह है वो भी चल रही है, ट्रेन भी अभी चल रहे हैं, तो आप जो हैं जा सकते हैं। बट कोरोना वायरस का टेस्ट, और वो भी 72 घंटे से ज़्यादा का वो टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।